हैदराबाद जी की राष्ट्र अध्यक्षता है और राष्ट्र अध्यक्षता है तो निश्चित तौर से माननीय बहन जी का नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय। आप सब समाज के लोगों की माननीय बहन जी राजनीति करती है और सब समाज के लोगों को भागीदारी देना चाहती है। आज देश में लाखों संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भीम आर्मी हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अनेक देश में लाखों संगठन चल रहे हैं, लेकिन देखने की बात तो यह है कि आज जो संगठन चल रहे हैं वो संगठन किसके लिए काम कर रहे हैं, वो संगठन कहाँ गुलाम हो रहे हैं। ये तमाम माननीय बहन जी ने इस बात को अभी पीछे प्रेस व्यक्ति में कहा है कि यदि उन संगठनों की बात कर रहे हैं आप जरा उसमें थोड़ा खुलकर बताइए कौन से वो संगठन हैं, उनका थोड़ा नाम बता देंगे तो क्लियर होगा कि जानने के लिए समझने के लिए। जैसे इस देश में भीम आर्मी का संगठन है, दूसरा भी SC ST परिषद संगठन है। अच्छा, भीम आर्मी का आपने नाम क्यों जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रशेखर तो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं। हाँ, परिसंघ की मैं बात कर सकता हूँ, उदित राज उसके संस्थापक थे और आज वो बीजेपी में नेता है, तो फिर वो बात कोई निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ये संता सैनिक दल है। भारतीय बोध की कई संस्था है जो दूसरे पार्टी को हमेशा समर्थन करने का काम करती हैं। तमाम देश में संगठन चलते हैं, लाखों संगठन चलते हैं, लेकिन जितने संगठन चलते हैं कोई कांग्रेस के लिए काम करता है, कोई भाजपा के लिए काम करता है, लेकिन मेरा मानना है जितने देश के सारे संगठन बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, उस दिन माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। अच्छा, आपने जो संगठनों की बात की है वो दलित, वो तमाम संगठन थे जो दलित समाज के मतलब दलित समाज में काम करते थे, दलित समाज के हित की बात करते थे, चाहे उसमें उदित राज जी का परिसंघ हो, चाहे एक पैंथर करके 58 जी का पैंथर हो, तो ये ऐसे संगठनों की आप बात कर रहे हैं, समता सैनिक दल की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई आज ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? निश्चित तौर से प्रैक्टिकल आपके सामने आ चुका है, जब आपके उदित राज जी परिसंघ ऐसे अनुसूचित जाति का जब परिसंघ चलाते थे तो मेरे समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उसको नेता बनाया, लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया उनको, तमाम उसको सहयोग देकर जब देश प्रदेश में संगठन बना तो निश्चित उन्होंने सोचा कि तमाम दलित समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक अपनी एक पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी बने, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जस्टिस पार्टी नहीं खड़ी हुई देश में, प्रदेश में आगे नहीं बढ़ाई, तो निश्चित तौर पर वो श्री राम के चरणों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के चरणों में अपना संगठन विलय करने का काम किया है और वहाँ से सांसद बनने का काम किया। क्योंकि इस बात को उदित राज जी कहते थे, मुझे मेरा नाम उदित रामराज है, मुझे राम से बड़ा प्रेज है। उन्होंने यहाँ रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में अपना नाम चेंज करने का काम किया, तमाम भक्तों को बुलाने का काम किया। लोगों ने सोचा ये तो वास्तव में बुद्धिस्ट है, ये वास्तव में बाबा साहब का आदमी है, लेकिन उसके पीछे उसका राज था, किस राज के लिए वो काम कर रहा था, उसने अपनी अपेक्षा थी, अपेक्षा होने के लिए वो। चलिए, आप ये बात करिए, दूसरा रामदास अठावले को कराते हैं, उनका क्या रहा, उनका क्या कौन सा संगठन, क्या उसके बारे में? रामदास अठावले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी RPA का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी दल नहीं चल पाया, जब दल नहीं चल पाया उन्होंने भी अपनी पार्टी को सोशल संगठन से, सोशल संगठन से पैंथर उनका संगठन था, उसको चलाने का काम कर रहे थे, आज भी चलाते हैं, आज भी वो अपनी बात को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने रामदास अठावले हो, उदित राज हो, या आपका इधर एक हमारे दूसरे संगठन चलाते थे पहले रामलाल पासवान भी, जो अनेक दलों से आते, जब भी किसी सरकार बनते उसमें वो अपना कहीं ना कहीं भागीदारी मंत्री बन जाते हैं, लेकिन ये तमाम 132 सांसद देश में हैं, जो 132 सांसद ये तमाम सारे गुलाम हैं, ये सारे गुलाम हैं, एक भी देश के दलित समाज के OBC समाज के मुस्लिम समाज के साथ जब भी अत्याचार होता है, इस देश के अनेक प्रदेशों में जब भी अत्याचार हुए हैं, एक भी सांसद आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं, या देश की राज्यसभा हो या देश की लोकसभा हो, किसी व्यक्ति ने एक भी आवाज़ उठाने की प्रयास नहीं करा, क्योंकि सारे गुलाम हो चुके हैं। ये जो गुलाम हो चुके हैं, गुलाम कौन हमारी बात सुनेगा, क्योंकि उनको आदेश कर दिया जाता है यदि तुम्हारे समाज पर अत्याचार शोषण होता है तुम्हें अपनी आँख बंद करनी पड़ेगी, अपनी आँख
कान बंद करने पड़ेंगे और फिर ज्वार पट्टी बांधनी पड़ेगी। अच्छा, ये आपने भीमार्मी पर, मैं फिर आऊँगा भीमार्मी पर, भीमार्मी पर आपने सवाल उठाया जिस तरह से तमाम संगठनों का नाम लिया और उनके जो नेता है वो आज बीजेपी की शरण में, भीमार्मी पर आप सवाल उठा रहे हैं अभी तक जिस तरह से चंद्रशेखर का रुख रहा है, बीजेपी पर लगातार वो हमला बोलते चले आ रहे हैं और बीजेपी के अगेंस्ट ही वो बात कर रहे हैं, खासतौर पर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी जो अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो बड़ी दुश्मन है, तो लेकिन अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है ये बताइए कि चंद्रशेखर के इस तरह के बयान आते हैं, चंद्रशेखर से आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से राजेंद्र प्रसाद वो मिलते हैं, उसके बाद कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि अब उसकी ध्रुवीकरण की नीति की शुरू की जा रही है दलितों की और इसी वजह से आप इस तरह का बयान दे रहे हैं? निश्चित तौर से अभी चंद्रशेखर जब जेल से निकल के आए हैं उन्होंने निकलते कहा कि क्योंकि उनका जो सब था वो सब ठीक नहीं था, उन्होंने कहा माननीय बहन कुमार जी मेरी बुआ हैं और बुआ के नाते मैं उनका रिश्ता मानता हूँ, आज देश का कोई भी पार्टी का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, तमाम इस देश के जो नेता हैं माननीय बहन जी कह के उनको पुकारते हैं, बुआ शब्द का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह से अपमान की भावना की तरफ, राजनीति की तरफ वो जा रहे हैं। अपमान तो नहीं, मैंने ये सवाल किया था चंद्रशेखर से और पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक तंज के तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव इस शब्द का यूज़ किया करते थे और राजनीतिक तंज पर उसे यूज़ किया जाता था, तो कहीं आप उससे प्रेरित तो नहीं है, अखिलेश यादव से प्रेरित होकर, तो उन्होंने इस बात पर सफाई दी कि मेरे खून में है और मेरे, उन्होंने तमाम वो बातें बताई थी कि मेरे समाज से आती हैं इसलिए मैं बुआ कहता हूँ, तो इसकी तो चलिए क्लियर कर दिया उन्होंने के बारे में। आगे की क्या भूमिका, अब अगर हम कहें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी नजदीकियां चंद्रशेखर से बढ़ा रही है तो शायद उससे कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए नुकसान होगा दिल्ली के अंदर, आप मानते हैं? निश्चित तौर से यदि वो दल बदल की बात करता है, आज जो तमाम यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुए उनमें 90% को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर उनको समर्थन किया, क्योंकि इस देश की लड़ाई यदि लड़ रहे हैं देश की लड़े हैं दलितों की लड़ाई, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग उसके प्रदर्शन में जाते हैं, जब वहाँ उन्होंने देखा कि प्रदर्शन में कुछ रुकावट आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही, जैसे भी वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया, दूसरा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में केवल 10,000 आदमी के वहाँ पाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय बहन कांवती जी ने उनको कहा कि तुम यदि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए काम करना चाहते हो तो हमारे पास राष्ट्रीय दल है, आप इस राष्ट्रीय दल में आकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर आप क्यों ना पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें, क्यों ना हम ताकत बढ़ाने की बात करें। माननीय बहन जी ने उनको निमंत्रण दिया है कि माननीय बहन जी ने कहा तुम आइए हम तुम्हें बहुजन समाज पार्टी में लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था, ये चंद्रशेखर जी कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें हम आप, क्योंकि हाँ उन्होंने नाम तो नहीं लिया था लेकिन ये बात जरूर कहा था कि संगठन जितने भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से नए नए दल खड़े किए जा रहे हैं, अगर वो हमारे हितेशी हैं, समाज के हितेशी हैं, तो वो अगर काम करें, ये कहा था ने उसको भी कहा कि आइए हमारे पार्टी में काम करिए, यदि आप बाबा साहब के मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी बाबा साहब के लिए काम करते हैं, तो आइए हमारी पार्टी में शामिल होइए, मिलकर बात बढ़ाते हैं आगे। ये माननीय बहन जी ने कहने का काम किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम सबकी चाहत है, इस देश के लोगों की दलितों की चाहत है, या तमाम कितने संगठन हो, या आपका मुक्ति मोर्चा हो, बहुजन मुक्ति मोर्चा हो, या आपकी पीपीए पार्टी हो, इस तरह की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये छोटी छोटी पार्टियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के वोट को काटने का काम करेगी, यदि 2-2, 4-4 हज़ार वोट रख जो प्रत्याशी हमारे 5-4 हज़ार वोट से जीतने वाले हैं उनको हराने की बात करते हैं, उन्होंने तैयार करें ऐसे लोगों को जो दलित समाज के संगठन चल रहे हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको बैकडोर से उनको फंडिंग करते हैं, क्योंकि हमको कमज़ोर करने के लिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे देश में आज बहन जी का डंका बजा है, माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता रात दिन लगे हैं और आज की आवाज़ है, बुलंद है कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, ये सुनिश्चित है, क्योंकि देश की ओबीसी पार्टियों ने माननीय बहन कांवती जी को समर्थन देने की बात कही। आज माननीय बहन जी जैसे ओबीसी लोगों ने वहाँ
आवाज़ उठाने की बात करें, तब उसी दिन बहन जी ये देश की सेकेंड लीडरशिप तैयार करें। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता संगठनों की जिम्मेदारी बहन जी को नंबर वन का लीडर बनाकर, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर हम सबका प्रयास है। उसके लिए हम सब लोग अपने संगठन को मजबूत करके प्रदेश में बहन जी को जिताने के लिए निश्चित तौर से अपने प्रदेश से हम लोकसभा सांसद जिताने का काम करें, उसी के लिए हमारा प्रयास जारी है। अच्छा।